सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, हम आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और देखिए, कंप्यूटर विषय का जो नया राजन सीरीज है 2024 संस्करण का, इसके बहुविकल्पीय और अति लघुत्तरीय प्रश्न मैंने करा दिए हैं और इसके आपके लघुत्तरीय प्रश्न रह गए थे जिसको मैं इस क्लास में आज से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जिसने बहुविकल्पीय और अति लघुत्तरीय नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप बहुविकल्पीय और अति लघुत्तरीय प्रश्नों को कर लीजिए। उनको करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, कम समय में आप कर लोगे और आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसके बाद देखिए, बहुविकल्पीय अति लघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर आप जल्दी से 11 नंबर अपने पक्के कर लोगे और उसके बाद आपके पूरे 14 नंबर का बचता है, दो दो नंबर के 7 प्रश्न। इन प्रश्नों को तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्कोरिंग ये होते हैं और साथ ही साथ इनमें आप कुछ ना कुछ लिख करके आ पाओगे। ठीक है, तो जो भी आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा उसको आप यहाँ पे देखिए। इन क्लासेस से आपको क्या फायदा होगा, लघुत्तरीय प्रश्न के लिए लगातार आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो इसलिए लघुत्तरीय प्रश्न में देखिए, पहले तो आपको कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, वो सारे प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे और सभी कॉन्सेप्ट को मैं आपको सरल भाषा में बता दूंगा जिससे आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और किस तरीके से भाषा लिखनी है यह आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लाभ होने वाले हैं आपको, तो इस क्लास को अभी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में ताकि सभी लोग को पता चल पाए कि जो राजन सीरीज उन्होंने ले रखी है या नहीं, जिन्होंने नहीं ले रखा है वो भी पढ़ पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, आप क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसी तरीके से सभी विषय आपको चैनल पे पढ़ाए गए हैं, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर चाहे हो, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड हो, फोर्थ हो, सभी सेमेस्टर की क्लास आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो अब चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, पहला यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है कि विकिपीडिया की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। अब विकिपीडिया इस नाम से आप ज्यादातर लोग जो हैं वह जानते होंगे इस नाम को। विकिपीडिया क्या है, यह एक वेबसाइट है, यह एक वेबसाइट है जहां पे पहले हम नॉर्मली बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद भाषा को पढ़ेंगे और भाषा को समझ लेंगे। देखिए, विकिपीडिया नॉर्मली एक वेबसाइट है जहां पर आप किसी भी व्यक्ति, वस्तु और इतिहास, ठीक है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, इतिहास, कोई भी एयरक्राफ्ट हो, कोई भी गन हो, कोई बॉम्ब हो, मतलब कोई भी वस्तु हो, कोई प्रसिद्ध स्थान हो, सबके विषय में आपको वहां पे जानकारी मिल जाती है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्तित्व रहे हो या इस समय हो, सबके बारे में आपको जानकारी मिल जाती है। विकिपीडिया जो है एक तरीके से समझ लीजिए इस दुनिया का जो ज्ञान है उसका भंडारण है, अब समझिए इसको। तो विकिपीडिया दुनिया के सभी ज्ञान का एक व्यापक संग्रह है। विकिपीडिया का उद्देश्य व्यापक रूप से सुलभ और मुक्त विश्वकोश के रूप में कार्य करके पाठकों को लाभान्वित करना है। एक व्यापक लिखित सार संग्रह जिसमें ज्ञान की सभी शाखाओं की जानकारी सम्मिलित है। विकिपीडिया लेख का लक्ष्य मौजूदा मुख्य धारा के ज्ञान का निष्पक्ष एवं सटीक तरीके से एक सीधी तथ्य आधारित शैली के साथ तटस्थ रूप से लिखित सारांश प्रस्तुत करना है। लेखों में निबंध जैसे तर्कपूर्ण, प्रचारात्मक या विचारात्मक लेखन के बजाय औपचारिक लहजे के साथ एक विश्वकोश शैली तैयार करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, विकिपीडिया के बारे में क्या कह रहा है कि यह एक जो सभी दुनिया का जो ज्ञान है, ठीक है, उसका एक संग्रह है, दुनिया का एक संग्रह है और यह एक तरी यह मुफ्त है। ठीक है, अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप इसका एक्सेस कर सकते हो, इस वेबसाइट तक पहुंच सकते हो। और यह देखिए, हर एक जितने भी आपके ज्ञान की शाखाएं हैं, सभी ज्ञान की शाखाओं से यह जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस पे अब आप लिख लोगे जितना भी आपको
लिखना रहेगा, आसानी से आप लिख पाओगे इसके विषय में। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या दो है, कंप्यूटर के मुख्य अंगों का वर्णन कीजिए। तो कंप्यूटर में आप देखते ही आपको कंप्यूटर में जो चीजें दिखती हैं वह हार्डवेयर होती हैं, और जो आप बटन क्लिक करके जिससे कंप्यूटर काम करता है वह सब क्या होता है, जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर लेता है और आपका डेटा प्रोसेस करता है, आपको डेटा दिखाता है, उसके बाद ये सब क्या है, ये सब उसका सॉफ्टवेयर है। ठीक, तो पहले हार्डवेयर के बारे में, कंप्यूटर के मुख्य भाग जो होते हैं वो दो मुख्य भाग होते हैं, एक हार्डवेयर होता है एक सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर कंप्यूटर के वे समस्त पार्ट शामिल हैं जो दिखाई देते हैं अथवा जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं, जैसे माउस हो गया, कुंजी पटल, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया, मॉनिटर हो गया, ठीक है, तो कीबोर्ड आपका और आपका सीपीयू, ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके हार्डवेयर होते हैं, ठीक है, जिसको आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर में निम्नलिखित महत्वपूर्ण डिवाइसेस होती हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या होता है, इनपुट उपकरण होते हैं, तो ये उपकरण जिसके द्वारा कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं कि उसे कैसे और क्या काम करना है, ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके इनपुट डिवाइसेस होती हैं, जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया, माइक हो गया, कैमरा हो गया, ये सभी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। इससे डेटा कंप्यूटर को मिलता है, इससे जानकारी कंप्यूटर को दी जाती है। फिर आता है प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट से मिलकर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बनती है जिसे सीपीयू कहते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रयोगता यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का संसाधन करती है और अपेक्षित परिणाम प्रदर्शित करती है, ठीक है। अब देखिए, इनपुट डिवाइसेस आ गए आपके, इनपुट डिवाइसेस आ गए हार्डवेयर में, उसके बाद आपका प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू आ गया जो आपका प्रोसेस करता है। इसी तरीके से काम भी होता है, पहले कंप्यूटर में इनपुट आप देते हैं, फिर प्रोसेसिंग होता है और उसके बाद आपके आउटपुट आता है, ठीक है। तो इनपुट से जुड़ी डिवाइसेस हो गई और उसके बाद प्रोसेसिंग से जुड़ी यहाँ पे चीजें हो गई और यहाँ आउटपुट से। आउटपुट उपकरण आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले आउटपुट उपकरण निम्नलिखित है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब क्या है, आपके आउटपुट उपकरण है। मॉनिटर पे आपको क्या दिखता है, जो आप डेटा इनपुट करते हो उसके बाद जो प्रोसेसिंग होती है उसके बाद आपको मॉनिटर पे आउटपुट मिलता है, प्रिंटर पे आउटपुट आप लेते हो, और स्पीकर के माध्यम से अगर कोई साउंड है तो उसको सुनते हैं। इसके बाद देखिए, सेकेंडरी स्टोरेज उपकरण, अब जो भी आउटपुट आएगा उसको आप क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो कंप्यूटर में दो तरीके का स्टोरेज होता है, एक प्राइमरी स्टोरेज और दूसरा सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज में आपके रैम और रोम आते हैं जो कंप्यूटर में फिट होते हैं, और उसके बाद अलग से हम डिवाइसेस यूज करते हैं, जैसे फ्लॉपी डिस्क यूज करते हैं, हार्ड डिस्क यूज करते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क यूज करते हैं, पेन ड्राइव यूज करते हैं, तो ये सभी क्या है, इन सब में डेटा स्टोर किया जाता है और इनको बोला जाता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस या उपकरण, ठीक। यहां तक आप समझ गए हार्डवेयर तक, इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद देखिए कंप्यूटर का दूसरा जो मुख्य भाग होता है वो होता है सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर को रन कराता है। अब एक तो फिजिकल भाग हो गया जिसको आप देख पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, और दूसरा एक तरीके से समझ लीजिए कि यह कंप्यूटर का दिमाग होता है, ठीक है, कंप्यूटर को कैसे काम करना है यह निर्देश होते हैं सॉफ्टवेयर में। तो सॉफ्टवेयर निर्देशों की वह श्रृंखला है जो हार्डवेयर को एक निर्धारित क्रम में विशेष कार्य करने के लिए सक्रिय करती है। क्या कार्य किया जाना है, कब किया जाना है और कैसे किया जाना है, इसके लिए कंप्यूटर को निर्देशों की आवश्यकता होती है। इन निर्देशों को प्रोग्राम भी कहा जाता है। सॉफ्टवेयर की अनुपस्थिति में हार्डवेयर कोई कार्य करने में सक्षम नहीं है। तो अब एक तरीके से आप सोचिए कि आपके विद्यालय की प्रयोगशाला है, अब प्रयोगशाला में आपको ले जाकर के खड़ा कर दिया गया, अब जब तक आपको टीचर कोई एक्सपेरिमेंट, क्या एक्सपेरिमेंट करना है ये नहीं बताएंगे, और उसमें क्या क्या चीजें लगेंगी ये नहीं बताएंगे, प्रोसेस क्या क्या
किस किस कैसे कैसे स्टेप से करना है ये नहीं बताएंगे तो आप तब तक उस एक्सपेरिमेंट को आपको कैसे पता कौन सा एक्सपेरिमेंट करना है। इसलिए टीचर समझ लीजिए कि आपका इस तरीके से आपको पूरा दिमाग निर्देश देते हैं टीचर, तो उसी तरीके से कंप्यूटर आपका हो गया, कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर हो गया वह एक तरीके से निर्देश का ही क्रम है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के प्रकार, सॉफ्टवेयर मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो सिस्टम, जो सारे जितने आपके पार्ट्स हैं कंप्यूटर को, उनको मैनेज करने का काम, उसको किस प्रकार से चलाना है और उसके बाद किस तरीके से कोई इस्तेमाल करेगा कंप्यूटर को। ठीक है, कभी कैसे सारे हार्डवेयर जो है कंप्यूटर के वह कार्य करेंगे, इन सबको चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है, जो मुख्य सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर में पहले से डाला होता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर अथवा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, OS बोल देते हैं इसे, ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को सक्रिय करता है तथा कंप्यूटर के समस्त संसाधनों का प्रबंधन एवं नियंत्रण करता है। सभी सॉफ्टवेयर सिस्टम जैसे DOS, विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स आदि इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न प्रोग्राम हार्डवेयर के बीच अंतर क्रियाओं को नियमबद्ध करते हैं। इसकी तुलना चौराहे पे तैनात यातायात पुलिस के सिपाही से की जा सकती है, जैसे सभी दिशाओं से आने वाले वाहनों को नियमानुसार चलने की अनुमति प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही प्रयोक्ता और कंप्यूटर के बीच संबंध बनता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, सभी कंप्यूटर के जितने अंग हैं और जो प्रयोग करता है, जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है, जिसे हम यूजर बोलते हैं या कभी कभी क्लाइंट बोलते हैं। ठीक, तो उसको जो इस्तेमाल कर रहा है, इन दोनों के बीच, कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर के बीच और जो यूजर है उसके बीच जो है ये सॉफ्टवेयर OS काम करता है। अब ये समझिए कि कंप्यूटर में जितने सामान लगते हैं, अगर मान लेते हैं वह आप कहीं से इकट्ठा कर लो, ठीक है, तो तब तक आप कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे जब तक कंप्यूटर में एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा। तब तक कंप्यूटर ना ऑन होगा, आपको ऑन नहीं मिलेगा, ठीक है, उस पर कुछ आएगा नहीं, आप उससे इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इस तरीके से समझिए, जैसे बेजान शरीर होती है, इंसान की डेथ हो जाती है तो कुछ हाथ पैर काम नहीं करते हैं, श्वसन तंत्र नहीं चलता है, तो इसी तरीके से कंप्यूटर तब तक केवल, जब तक इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तब तक वो शरीर मात्र है। ठीक है, उसमें आत्मा नहीं है, दिमाग नहीं है। तो इसके बाद देखिए दूसरा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, शरीर का ही एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। तो अब एक बच्चा बड़ा हुआ तो उसको किस तरीके से समाज में रहना है, कैसे सबके साथ व्यवहार करना है, ये चीजें आ गई, ये थोड़ा सा सिस्टम का पार्ट हो गया। अब उसको क्या काम करना है, किसमें उसको अच्छा होना है, उसके लिए अलग स्किल चाहिए। ठीक, उसके लिए स्किल चाहिए, तो उसी तरीके से है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपको कोई स्पेसिफिक काम करना है कंप्यूटर में, तो उसके लिए क्या होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर प्रयोक्ता इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सामान्य कार्य प्रक्रिया संबंधी टूल से युक्त ऐसे प्रोग्राम के समूह होते हैं जो विशेष प्रकार के कार्यों को संपन्न करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ल्ड स्टार, फॉक्स प्रो आदि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त प्रयोक्ताओं की विशेष मांग और आवश्यकता को पूरा करने के लिए कस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बनाए जाते हैं, जिन्हें आपने बैंकों, रेलवे टिकट बुकिंग काउंटर आदि पर कार्यरत होगा। अब जितने सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करते हो, चाहे वह ब्राउजर हो जिसके माध्यम से आप इंटरनेट के वेबसाइट्स देख पाते हैं, या यही जो आप
अभी मान लीजिए इसको अपने लैपटॉप में देख पा रहे हैं और यूट्यूब पे देख पा रहे हैं, या यूट्यूब के एप्लीकेशन, लैपटॉप के लिए एक आपका सॉफ्टवेयर आ जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसपे आप यूट्यूब पूरा देख पाओगे, तो उसे क्या कहेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहेंगे। या आपकी एक फोटो एडिटिंग की सॉफ्टवेयर फोटोशॉप हो गया, वह क्या है, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसी तरीके से आप मीडिया प्ले करने के लिए वीएलसी या विंडोज में होता है मीडिया प्लेयर, तो वो क्या है, वह आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है अलग से, ठीक है। तो इसके बाद देखिए तीसरा है लैंग्वेज। हम जानते हैं कि कंप्यूटर बाइनरी कोड में लिखे गए अनुदेशों के अनुसार कार्य करता है, परंतु इसे कोड में लिखे गए अनुदेशों को पढ़ना एक जटिल प्रक्रिया है। लैंग्वेज इसी जटिल प्रक्रिया को मशीनी कोड में बदलने वाले प्रोग्राम का समूह है। बेसिक, पास्कल आदि सॉफ्टवेयर इसी श्रेणी में आते हैं। अब समझिए कि बाइनरी कोड किसे बोलते हैं। बाइनरी, बाई का मतलब होता है दो, और कंप्यूटर दो ही चीज समझता है, एक तो जीरो एक वन, एक जीरो एक वन, यही दो चीज कंप्यूटर को समझ में आती है। अगर इंसानी भाषा में अगर हम बोले, हिंदी में अगर बोलूं तो हाँ और ना कह सकते हैं आप, ना और हाँ, ठीक है। तो दो ही चीज कंप्यूटर समझता है, इसी का कॉम्बिनेशन करके सारे इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दिए जाते हैं। वन जीरो वन वन इसका अलग मतलब होगा, वन जीरो इसका अलग मतलब होगा कंप्यूटर के लिए। तो ये कंप्यूटर को इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमको आपको दिखता है कि हम इंटर बटन जो है वह प्रेस कर रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर जो है वह इस फॉर्म में आपसे निर्देश लेता है। अब इसको इस फॉर्म में निर्देश देना तो आसान होगा नहीं, प्रोग्राम करना कंप्यूटर को आसान तो होगा नहीं, तो इसलिए लैंग्वेज का यूज किया जाता है। लैंग्वेज से क्या हो जाता है, लैंग्वेज का इस्तेमाल करने से हम जो कोड इंग्लिश में लिख रहे हैं, ठीक है, जो कॉम्बिनेशन हम बना रहे हैं भाषा के माध्यम से, लेटर्स के माध्यम से, उसका इस्तेमाल करते हुए ये लैंग्वेज जो है वह मशीनी भाषा को उसको कन्वर्ट कर देती है। तो मशीन हमारी समझ जाती है, कंप्यूटर हमारा समझ जाता है कि हमको क्या निर्देश दिया गया है। इसके बाद देखिए चौथा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अन्य सॉफ्टवेयरों की गुणवत्ता मापने, वायरस को हटाने, खोए हुए दस्तावेजों को ढूंढने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले सॉफ्टवेयर को यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। एंटीवायरस, पीसी टूल्स आदि सॉफ्टवेयर इसी श्रेणी में आते हैं, ठीक है। अब यूटिलिटी का मतलब होता है सुविधा, आपके सुविधा के लिए कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर में, जैसे एंटीवायरस हो गया, पीसी टूल्स हो गया, ये सब आपका कंप्यूटर के इस्तेमाल को आसान बनाते हैं। किसी भी चीज को यूटिलिटी सुविधाएं क्या होती हैं, आपको जीवन को आसान बनाती है, तो इसी तरीके से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके ये हो गए, ठीक। तो आप समझ गए पूरा कंप्यूटर में, पूरे कंप्यूटर का भाग आप समझ गए, कंप्यूटर में क्या क्या होता है, कंप्यूटर के मुख्य अंग क्या क्या होते हैं, 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आप समझ गए आप कंप्यूटर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर में क्या चीजें होती हैं, सॉफ्टवेयर में क्या चीजें होती हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या तीन है, वर्तमान समय में ऑनलाइन शिक्षण के महत्व पर प्रकाश डालिए, अभी 2023 में आपका पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऑनलाइन शिक्षण के का जो महत्व है उसके बारे में तो आपको बताना ही नहीं है, ये क्लास आप कैसे ले रहे हैं, ऑनलाइन के माध्यम से ही तो ले रहे हैं, तो इस शिक्षण के महत्व के बारे में आप नहीं लिख पाओगे। बिल्कुल लिख लोगे, तो ऑनलाइन शिक्षा एक सहज अनुदेशात्मक वितरण प्रक्रिया है जिसमें इंटरनेट के माध्यम से होने वाली कोई भी सीख शामिल है। ऑनलाइन शिक्षण शिक्षकों के उन छात्रों के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है जो पारंपरिक कक्षा कोर्स में दाखिला लेने में सक्षम नहीं होते हैं। प्रत्येक अनुशासन में उल्लेखनीय गति के साथ दूरस्थ शिक्षा, ऑनलाइन डिग्री प्रदान करने की मात्रा में वृद्धि दर्ज की जा रही है। ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूल संस्थान भी संख्या में बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन तरीकों से डिग्री हासिल करने वाले छात्र को यह सुनिश्चित करने में ईमानदार रहना चाहिए कि उसका
कोर्स वर्क एक मूल्यवान एवं प्रमाणित विश्वविद्यालय के माध्यम से पूरा हो। ऑनलाइन शिक्षा तालमेल का लाभ प्रदान करने के लिए जानी जाती है। इन संचारों के माध्यम से स्रोत साझा किए जाते हैं और सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से एक खुला तालमेल विकसित होता है। जब प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के कार्य, कोर्स पर चर्चा और टिप्पणी के माध्यम से एक दृष्टिकोण या राय देता है, तो इसे छात्रों को बेहतर सीखने में लाभ होता है। यह अनूठा लाभ छात्र केंद्रित आभासी शिक्षण वातावरण में प्रकट होता है, जिसमें अकेले ऑनलाइन शिक्षण प्रारूप ही योगदान दे सकता है। ऑनलाइन कक्षाओं के साथ हमें किसी दूसरे शहर की यात्रा करने या लंबी दूरी तय करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए, ऑनलाइन शिक्षण का महत्व तो जब आपसे पूछ रहा है, तो ऑनलाइन शिक्षण में क्या क्या चीजें होती हैं जो लाभ दे रही हैं, ठीक है, क्या क्या, कितना फैक्टर है, कितना उपयोगी है आज के समय में ऑनलाइन शिक्षण, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखना है। तो ऑनलाइन शिक्षण में आप लिखेंगे कि ऑनलाइन शिक्षण जो है वह इंटरनेट के माध्यम से कोई भी चीज जो बच्चा सीख रहा है उसे हम क्या कहेंगे, ऑनलाइन शिक्षण कहेंगे। और कई सारे प्रोग्राम आजकल ऑनलाइन रन किए जा रहे हैं, सर्टिफिकेट्स यूनिवर्सिटीज के द्वारा दिए जा रहे हैं, और जो ऐसी कार्य करने वाली संस्थाएं हैं वह दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। और ऑनलाइन शिक्षण में जो बच्चे सीधे क्लास नहीं ले सकते हैं या कहीं दूर स्थित हैं, वह सभी इसका लाभ ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप लिख पाओगे अपने प्रश्न के उत्तर में। इसके बाद देखिए, हम जहां हैं वहीं रह सकते हैं और अपनी वर्तमान नौकरी जारी रख सकते हैं। इसमें क्या क्या लाभ होते हैं ऑनलाइन शिक्षण में, तो ऑनलाइन शिक्षण में यही है कि जहां पे आप हो वहां पे जो लोग नौकरी भी कर रहे हैं वह लोग भी अपना शिक्षण जो है, जो पढ़ाई का उनका काम है, उसको आगे ले जा सकते हैं। जबकि हम ऑनलाइन डिग्री साथ साथ अपने करियर को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा डिजिटल खाना बदोशों की भी मदद करती है। कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रौद्योगिकी सक्षम या स्थान स्वतंत्र जीवन शैली का समर्थन करता है, हम जहां भी हो व्याख्यान देख सकते हैं और अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं। चाहे हम पूर्णकालिक या अंशकालिक ऑनलाइन छात्र हों, ऑनलाइन शिक्षा का अनुभव कहीं अधिक प्रबंधनीय कार्यक्रम प्रदान करता है। सस्ते होने के कारण ऑनलाइन शिक्षा को काफी लोकप्रियता मिली है। सच तो यह है कि ऑनलाइन कोर्स स्कूलों या कॉलेजों में पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रमों की तुलना में अधिक किफायती हैं। ये समझ लीजिए कि जो आप स्कूल विद्यालय में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उससे ज्यादा इफेक्टिव आज के समय में आपकी ऑनलाइन शिक्षा है। विश्वविद्यालय में पढ़ते समय हमें परिवहन, आवास और भोजन जैसे कुछ पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, ऑनलाइन शिक्षा के लिए ऐसे खर्चों की आवश्यकता नहीं होती है। ऑनलाइन सीखने के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक इसका अंतर्निहित लचीलापन है। हालांकि इसमें एक दिक्कत है, व्यक्ति को बेहद आत्म प्रेरित होना होगा। सर्वश्रेष्ठ ऑनलाइन छात्र अपने कोर्स पर अज्ञतन रहने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण विकसित करते हैं। हर हफ्ते पढ़ाई के समय निकालने और कम से कम विकर्षणों के साथ एक कार्य स्थल बनाने जैसी चीजें काफी मदद कर सकती हैं। अब यहाँ पे देखिए, बहुत सारी चीजों के बारे में बात की जा रही है कि जो ऑफलाइन शिक्षा है उसमें देखिए, ऑफलाइन अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसमें कई सारी दिक्कतें होती हैं कि बच्चे को एक निश्चित स्थान पे जाके एक निश्चित समय पे क्लास लेनी पड़ती है। जबकि ऑनलाइन शिक्षण में यही सुविधा है कि बच्चे को कहीं दूर जाकर के और पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होती है, ना आवास लेने की जरूरत होती है, ना उस पे भोजन पे खर्च करने की जरूरत होती है। ऑनलाइन शिक्षण किसी भी समय कोई भी व्यक्ति ले सकता है और ये अधिक प्रभावशाली इसी कारण बन जाता है। और इसमें
इसकी अगर एक खामी पूछा जाए ऑनलाइन शिक्षण की, तो ऑनलाइन में क्या होता है कि आपको खुद ध्यान देना पड़ता है, आपको खुद से क्लास जो है वह लेनी पड़ती है, ठीक है। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहोगे तो यहाँ पीछे छूट जाओगे ऑनलाइन शिक्षण में, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम पढ़ाई कर रहे हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर विषय की, अगर यहाँ पे आप मन लगा करके क्लास नहीं पढ़ोगे खुद से, तो आपकी तैयारी जो है वह नहीं हो पाएगी। तो यही ऑनलाइन शिक्षण आप समझ पा रहे होंगे और ऑनलाइन शिक्षण का महत्व तो अब आप लिख पाओगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यातायात के क्षेत्र में इंटरनेट की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो यातायात के क्षेत्र में क्या उपयोगिता है इंटरनेट की? तो यातायात के क्षेत्र में अब आप जो है वह टिकट बुक कर पाते हो। अगर आपको ट्रेन से कहीं जाना हो या बस से जाना हो या फ्लाइट से जाना हो, तो आप ऑनलाइन टिकट बुक कर पाते हैं। और अगर आपके योजना में परिवर्तन हो जा रहा है, तो आप जो है वह टिकट कैंसिल भी कर पाते हो, ठीक है। ये भी एक पॉइंट आप लिख सकते हो, टिकट आप कैंसिल भी कर पाते हो। इसके बाद देखिए, यातायात के साधन के समय सारणी की तत्काल जानकारी। जो भी यातायात के साधन हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो सरकार के द्वारा बसेस चलाई जाती हैं, ट्रेन चलाई जाती हैं, ठीक है, उसकी जानकारी आपको सीधे तौर पे उसके समय सारणी की जानकारी आप तत्काल ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, ट्रेनों के आवागमन की रियल टाइम जानकारी, ठीक है, जिसे स्टेटस आप चेक कर पाते हो, रनिंग स्टेटस क्या है ट्रेन्स का। और चौथा है वाहनों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन होना। पांचवा लिख सकते हैं आप डीएल ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई कर पाते हैं, ठीक है। ये सभी क्या है? ये सभी आपके यातायात से जुड़ी हुई चीजें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यातायात के क्षेत्र में इंटरनेट की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं यातायात के क्षेत्र में। आजकल आप क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन टैक्सी बुक कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन टैक्सी बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन बाइक भी बुक कर सकते हैं, मतलब वो भी टैक्सी का ही पार्ट हो गया। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो ऑनलाइन की मदद से, ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न संख्या पांच है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप क्या समझते हैं? तो वीडियो और कॉन्फ्रेंसिंग, कॉन्फ्रेंसिंग का सीधे मतलब होता है एक संवाद, ठीक है, लोगों के बीच बातचीत, कोई अपनी बात रख रहा है, तो ये हो गया आपका कॉन्फ्रेंसिंग। और वीडियो जुड़ गया तो इसका मतलब हो गया उसका कहीं ना कहीं चित्र देखना, ठीक है। वीडियो में क्या होता है कि आप देख पाते हो, तो वो हो गया कि आप देखते हुए कॉन्फ्रेंस कर पा रहे हो। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अब समझ गए होंगे आप कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सक्षम उपकरणों का उपयोग करके विभिन्न स्थानों पर दो या दो से अधिक लोगों के बीच एक लाइव वीडियो आधारित बैठक है, मीटिंग है, ठीक। अब कहीं भी ऐसे अगर ऑफलाइन मीटिंग होती है, तो सभी को एक स्थान पे पहुंचना पड़ता है, एक हॉल में बैठना पड़ता है, कमरे में बैठना पड़ता है, और बातचीत ऐसे आमने सामने करनी पड़ती है। लेकिन अब ऑनलाइन के मदद से क्या हो गया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई है। जैसे अब आप एप्स पे भी वीडियो कॉल कर पाते हो, तो वैसे ही वही वीडियो कॉल अगर आप एक समूह में करते हैं, तो वह क्या कहलाती है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंटरनेट के माध्यम से वास्तविक समय में ऑडियो वीडियो टेक्स्ट प्रस्तुतियों को प्रसारित करके कई लोगों को लंबी दूरी तक आमने सामने मिलने और सहयोग करने की अनुमति देता है। अब इसके बाद देखिए, 80% अधिकारियों का कहना है कि आंतरिक संचार के लिए वीडियो चालू करना आदर्श बनता जा रहा है। 84% बाहरी बैठकों के लिए भी यही करते हैं। दूसरा देखिए पॉइंट, 2 साल पहले की तुलना में आज 87% अधिक लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करते हैं। 75% दूर दराज के श्रमिकों को बढ़ी हुई उत्पादकता और बेहतर कार्य जीवन संतुलन का अनुभव होता है। 64% कंपनियों के पास छोटे कमरों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेटअप है। अब ये सभी जो है, यह
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लाभ हैं, इससे क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में यहाँ पे आप समझ गए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रश्न क्या 6 है, सीडी रोम से आपका क्या आशय है। सीडी रोम क्या होता है, यह कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी का तकनीकी नाम है। यह एक ड्राइव होती है जिसमें डेटा लिख सकते हैं और पहले से लिखा डेटा पढ़ सकते हैं। तो सीडी रोम क्या होता है, ये आपका रोम का प्रकार है। यह एक कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी तकनीक है। यह एक ड्राइव होती है जिसमें डेटा लिख सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सीडी रोम के बारे में आप समझ गए, 2018-2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 7 है, यूनिफॉर्म विषयक आंकड़ों हेतु डिजिटलाइजेशन की आवश्यकता को लिखिए। अब यूनिफॉर्म किसकी बात हो रही है, यूनिफॉर्म जो बच्चे स्कूल में पहन के आते हैं, जो हमारे प्राइमरी विद्यालयों का यूनिफॉर्म होता है उसके बारे में, विद्यालय के यूनिफॉर्म के बारे में बात हो रहा है। यूनिफॉर्म से जुड़े हुए आंकड़े मतलब कितने बच्चे विद्यालय में हैं, किस क्लास में कौन सा यूनिफॉर्म चलता है, ठीक है, किस समय किस दिन कौन सा यूनिफॉर्म चलता है, कितने बच्चों के पास यूनिफॉर्म है और कौन सा यूनिफॉर्म बच्चों के पास मिसिंग है, इस सब का आंकड़ा होगा, ठीक है। 100 बच्चे होंगे, किसी 90 बच्चों के पास सभी पूरा मान लेते हैं यूनिफॉर्म होगा, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इस आंकड़े के डिजिटलाइजेशन की आवश्यकता क्या है, मतलब इस आंकड़े को डिजिटली मतलब एक वेबसाइट पे डालना, कंप्यूटर सीट बना करके रखना, इसके डिजिटलाइजेशन से मतलब कंप्यूटर में फीड करना इस डेटा को क्यों जरूरी है, आवश्यकता क्या है, ये आपको बताना है। 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यूनिफॉर्म विषयक आंकड़ों हेतु डिजिटलाइजेशन की आवश्यकता में लिखिए, पहला ही आपका देखिए यूनिफॉर्म संबंधी आंकड़ों की डिजिटलाइजेशन से शैक्षिक सुविधा हेतु बजट तैयार करने के कार्य में आसानी किया जा सकता है। यूनिफॉर्म वितरण में कुल कितनी धनराशि लगेगी, इसका ज्ञान आसानी से किया जा सकता है। अब देखिए सरकार जो है वह यूनिफॉर्म वितरित करती है, और अब तो यूनिफॉर्म डायरेक्टली नहीं दिया जाता बच्चों को, यूनिफॉर्म का पैसा गार्जियन जो अभिभावक हैं उनके अकाउंट में दिया जाता है। तो कितना पैसा देना है इसकी जानकारी कब होगी, जब यह आंकड़े जो होंगे डिजिटल रूप में पता होंगे, डिजिटल रूप में किस विद्यालय में कितने बच्चे हैं, कितने यूनिफॉर्म की आवश्यकता है, ये सारा जब पता होगा तो इसका बजट बनाने में, शैक्षिक सुविधा का बजट बनाने में और कितनी कुल धनराशि खर्च होगी यह डिसाइड करने में आसानी होगी। और दूसरा देखिए यूनिफॉर्म संबंधी आंकड़ों से विद्यालय प्रशासन तथा अभिभावक के मन में शंकाओं का समाधान प्रभावी रूप से किया जा सकता है। अब देखिए यूनिफॉर्म संबंधी आंकड़े जब डिजिटल रूप में प्रेजेंट रहेंगे तो वह सबके लिए एक्सेसिबल रहेंगे, जो भी अभिभावक हैं शिक्षक हैं सभी उस आंकड़े को देख पाएंगे और उन इससे जुड़ी यूनिफॉर्म से जुड़ी जानकारी को लेकर के जो शंका है अभिभावकों के मन में या अध्यापकों के मन में वह दूर हो जाएगी। इसके बाद देखिए जातिगत एवं आरक्षित श्रेणी के छात्रों के साथ वितरण में हेरा फेरी नहीं की जा सकती है। अब आपको पता है कि जो भ्रष्टाचारी होते हैं वो भ्रष्टाचार कैसे करते हैं, जो किसी के हक का होता है उसको मार लेते हैं, या जहां पर जितनी राशि लगनी होती है उससे ज्यादा राशि वह लगाते हैं, कहीं ना कहीं अपना फायदा वो बनाते हैं। तो जो बच्चे आरक्षित श्रेणी में आते हैं, ठीक है, उनको जैसे जो पहले से दबा कुचला है उसको दबा देते हैं लोग, और जो उनके हक का है वह छीन लेते हैं, इसी प्रकार तो काम होता है। तो इसी तरीके की हेरा फेरी नहीं हो पाती है जब डिजिटलाइजेशन हो जाता है। इसके बाद देखिए अब आपको पता है कि पहले राशन जो बंटता था वो राशन में बहुत बड़ी हेरा फेरी होती थी, लेकिन अब जो लोगों को राशन मिलता है वह
अंगूठे के माध्यम से मिलता है, तो जब वो बायोमेट्रिक के माध्यम से लेकर के आते हैं तो उसमें हेरा फेरी का चांस बहुत कम हो जाता है। करने वाले उसमें भी करते हैं लेकिन बहुत कम है। अब चौथा देखिए, ऐसी तकनीक से अभिभावक को इस विषय का ज्ञान हो जाता है कि यूनिफॉर्म पर विद्यालय प्रशासन द्वारा कितना धन दुरुपयोग किया जा रहा है, उपयोग कहिए दुरुपयोग क्यों, कितना धन उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी अभिभावक को जानकारी हो जाती है कि विद्यालय के द्वारा यूनिफॉर्म पे कितना धन उपयोग किया जा रहा है। अब कितना धन उपयोग में लिया जा रहा है और कितना अभिभावक को मिल पा रहा है, तो इससे क्या होता है, इससे पारदर्शिता आती है और मन में जो डाउट्स होते हैं वो खत्म होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से यूनिफॉर्म से जुड़ी जो जानकारी है उसको डिजिटल करना बहुत ही आवश्यक है। और डिजिटल करने के ही कदम में अब समझ लीजिए कि जो अभिभावक हैं उनके खाते में पैसा आ जाता है, तो जो भी यूनिफॉर्म के ठेकेदार होते थे जो गंदे क्वालिटी का यूनिफॉर्म बनाते थे उससे मुक्ति मिल गई है। लेकिन अब क्या होता है कि अभिभावक उन जो पैसे आते हैं उसको कहीं और खर्च कर देते हैं, तो ये भी दिक्कत है। जिम्मेदार तो होना पड़ेगा, देखिए समाज में किसी सबको जिम्मेदार होना पड़ेगा तभी समाज आगे बढ़ पाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, इंटरनेट के कार्यों को संक्षिप्त में समझाइए, इंटरनेट के क्या कार्य हैं। तो विश्व के नवीनतम समाचार शीघ्र अतिशीघ्र प्रदान करना, ये हो गया पहला। दूसरा है संक्षिप्त बिंदु महत्वपूर्ण नोट्स को आदान प्रदान करना, व्यापारिक समझौते करना, आवश्यकता अनुसार कंप्यूटर फाइल्स का स्थानांतरण करना और समान रुचि वाले लोगों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना। तो इंटरनेट के प्रमुख कार्य अगर देखे जाए तो जो समाचार को एक दूसरे से जल्दी एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाना और संक्षिप्त बिंदु में महत्वपूर्ण नोट्स का आदान प्रदान करना, मतलब सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना और लोगों में बातचीत स्थापित करना, बातचीत को बढ़ावा देना, चैट प्रदान करना, जीमेल की सुविधा प्रदान करना, ये सब क्या है, ये सब इंटरनेट के कार्य हैं। और फाइल स्थानांतरण के लिए सुविधा प्रदान करना, ठीक है, और समान रुचि के लोगों को जोड़ना, ये सब इंटरनेट के कार्य हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 है, इंटरनेट कॉलिंग क्या है। तो वर्तमान समय में इंटरनेट के द्वारा जहां समस्त कार्य हो रहे हैं वहीं इसके माध्यम से बिना किसी अतिरिक्त खर्च के बातचीत भी की जा सकती है। इंटरनेट एवं कंप्यूटर द्वारा जब एक शहर से दूसरे शहर में या देश विदेश में व्यक्तियों द्वारा वार्तालाप की जाती है तो इसे इंटरनेट कॉलिंग कहा जाता है। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से जब हम कॉल करते हैं, बातचीत करते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, इंटरनेट कॉलिंग। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10, यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 10 है, एड्यूसेट के कार्यों का वर्णन कीजिए। एड्यूसेट सबसे पहले है क्या, तो एड्यूसेट ये शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखा जाता है एड्यूसेट, और इसको जीसेट जियो सैटेलाइट 3 इसका नाम था, इसका उपनाम है एड्यूसेट, लेकिन इसका उपनाम जो है वह फेमस, आप लोगों में से कई लोग होंगे जिसका घर का जो नाम होगा उसी से बहुत लोग उनको जानते होंगे, ज्यादातर लोग, ठीक है, विद्यालय में जो दो चार लोग जानने वाले होंगे वो उनके सही नाम से, मतलब जो कागज में नाम है उससे जानते होंगे, नहीं तो ज्यादातर नाम लोग जो जानते होंगे उनके दूसरे नाम से जानते होंगे। इसी तरीके से जीसेट 3 जो है हमारा, यह एड्यूसेट के नाम से ज्यादा जाना जाता है। एड्यूसेट मतलब क्या, एड्यू का मतलब एजुकेशनल, सेट का मतलब सैटेलाइट, तो ये है एजुकेशनल सैटेलाइट। ये भारत की पहली ऐसी सैटेलाइट 2004 में लॉन्च की गई इसरो के द्वारा, जिसका मुख्य उद्देश्य यही था कि पढ़ाई तक दूर दराज के इलाकों में पहुंचाना, ठीक है, कैसे शैक्षिक जो कार्यक्रम है उनको सब तक पहुंचाया जाए, इसका मेन उद्देश्य यही था। तो देखिए एड्यूसेट उपग्रह के माध्यम से प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को प्रभावी शिक्षण प्रदान किया जा सकता है, क्योंकि शिक्षण में नई तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। दूसरा देखिए, एड्यूसेट के माध्यम से आधुनिक समय में शैक्षिक प्रगति को अभूतपूर्व प्रगति मिली है, क्योंकि इसके माध्यम से सभी कठिन स्थलों पर कंप्यूटर के माध्यम से महत्वपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रमों को
देखा जा सकता है कंप्यूटर के माध्यम से या टीवी के कार्यक्रमों के माध्यम से। क्या है? जो कार्यक्रम हैं शैक्षिक कार्यक्रम उनको देखा जा सकता है। कठिन स्थानों का मतलब क्या है? मतलब दूर दराज के स्थान, जैसे पहाड़ी इलाके हो गए या रेगिस्तान के इलाके हो गए, तो इस तरीके से जो यहाँ पे भौगोलिक स्थिति जो है सामान्य नहीं है, ऐसे स्थानों पे एडुसेट की मदद से शैक्षिक कार्यक्रमों को देखा जा सकता है। तीसरा देखिए, एडुसेट के माध्यम से विभिन्न प्रकार के विदेशी तकनीक का ज्ञान प्रबंधन का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विद्यार्थी को दिया जाता है। ठीक है, एडुसेट के माध्यम से विभिन्न प्रकार के विदेशी तकनीक का ज्ञान प्रबंधन का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को दिया जाता है। ठीक है, जो नई नई, आपको पता है कि विज्ञान जो है वह लगातार इवॉल्व कर रहा है, टेक्नोलॉजी नई नई इवॉल्व हो रही है, तो इसका जो नई टेक्नोलॉजी आती है उसका ज्ञान एडुसेट के माध्यम से लोगों को दिया जाता है। चौथा देखिए, एडुसेट का उपयोग दूरस्थ शिक्षा में प्रमुखता के साथ किया जाता है। इससे घर बैठकर ही विद्यार्थी ऑनलाइन के माध्यम से शैक्षिक कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं आप, एडुसेट के माध्यम से विभिन्न प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों को देखने की तकनीक का ज्ञान संभव होता है, क्योंकि इसके माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने के लिए तकनीकी ज्ञान अति आवश्यक है। ठीक है, तो तकनीकी भी बच्चे सीखते हैं इसके माध्यम से। देखिए इसके बाद, एडुसेट के द्वारा स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। जो विद्यार्थी चिकित्सा सेवा का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं वे इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो एडुसेट के द्वारा आप स्वास्थ्य संबंधी भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब जो लोग मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं मेडिकल का, MBBS हो गया, GNM, ANM और BSc नर्सिंग, इन सभी कोर्सेस में भी क्या होगा? एडुसेट के माध्यम से पढ़ाई होगी। यह सैटेलाइट तो सबके लिए, सबको ये हेल्प करेगी। तो जो जैसे हम लोग टीचिंग का प्रशिक्षण आप लोग यहाँ पे ले रहे हैं, टीचर ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं, उसी तरीके से जो लोग मेडिकल के लाइन के हैं उन लोग को भी फायदा होगा और आप लोग को भी फायदा हो ही रहा है एडुसेट के माध्यम से। इसके बाद देखिए, माध्यमिक शिक्षा में इसका उपयोग सरलता से किया जा सकता है तथा छात्रों को कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान कराया जा सकता है। आठवां पॉइंट देखिए, इसके माध्यम से शैक्षिक विशेषज्ञों से संबंधित विशेषज्ञों के विचारों का लाभ प्राप्त किया जा सकता है और एडुसेट के माध्यम से छात्रों की अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जाता है, क्योंकि शैक्षिक व्यवहार में बहुत सी समस्याएं एक जैसी होती हैं। ठीक है, अब बच्चों को आप एक चैप्टर मान लेते हैं बार बार पढ़ाते हैं तो आपको ज्ञान हो जाएगा कि हाँ बच्चों को क्या दिक्कतें आती हैं ये चैप्टर पढ़ते समय, और उस चैप्टर में वो दिक्कतें जो हैं वह सॉल्व कर दी जाती हैं। यही बात यहाँ पे लिखा है कि एडुसेट के माध्यम से छात्रों के अनेक प्रकार के समस्याओं का समाधान किया जाता है, क्योंकि शैक्षिक व्यवहार में बहुत सी समस्याएं एक जैसी होती हैं। ठीक है, शैक्षिक व्यवहार जो हम कर रहे हैं, जो पढ़ाने का काम हम कर रहे हैं, इसमें जो भी दिक्कतें आती हैं समझने से रिलेटेड, उसको एडुसेट के माध्यम से पहले ही बता दिया जाता है, डिस्कस कर लिया जाता है, जिससे ये समस्याएं खत्म हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे प्रश्न संख्या 10 तक आपने देख लिया। उम्मीद है प्रश्न संख्या 10 तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये 10 प्रश्न आपको ऐसे हो गए अब कि यहाँ कोई डाउट नहीं रह गया होगा आपको, बहुत अच्छे से ये 10 प्रश्न आपके तैयार हो गए। अब यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, जिसको भी समझ में आ गया होगा पूरा पूरा यस आप कमेंट करके लिख दीजिए, और कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप क्वेश्चन नंबर आप मुझे कमेंट कर दीजिए कि इस क्वेश्चन में दिक्कत है, और यह क्लास आपको पसंद आई है तो इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, तुरंत के तुरंत शेयर कर दीजिए, जिससे सभी तक ये क्लास पहुंच जाए, आसान भाषा में सभी लोग पढ़ पाए और बहुत रटने की आवश्यकता ना हो, समझे रहेंगे तो आप एग्जाम में जा करके लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे समझ ले रहे हैं और शब्दों को सीख ले रहे हैं, शब्दों को पढ़ ले रहे हैं आप, तो आप लिख लेंगे जाके। ठीक है, अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी विषयों का लिंक दिया गया है, सभी विषयों को पढ़िए, सभी विषयों को पढ़ाया गया है। और अगर आप चाहते हैं कम समय में बेहतर ढंग से तैयारी करना, तो आपको
नीचे ऐप का लिंक मिल जाएगा, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको थर्ड सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा, उसमें आपको सभी विषय चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा, नोट्स आपको मिल जाएंगे पीडीएफ, और राजन सीरीज पॉन सीरीज का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और मास्टर क्लास डाउट सेशन ये सारी चीजें आपको मिल पाएंगी। एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल पाएगा, बिना डिस्टरबेंस के आप कम समय में पढ़ाई कर पाओगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप बने रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। आगे के प्रश्नों को हम अगले क्लास में देखेंगे।